तो हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब? तो गाइस मैं महेश HR76 राइडर, हरियाणा का देसी छोरा, तो आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो। तो गाइस आज 31 दिसंबर और ये 2022 ख़त्म होने वाला है और नया साल आने वाला है जो कि कल है भाई, तो सेलिब्रेट करेंगे। और देखो आपको चीज़ दिखाता हूँ, पीछे मेरे क्या है क्रिसमस ट्री। ये 25 दिसंबर को हमने लगाया था, मतलब 24-23 को लगा दिया था हमने और अभी तक लगा रखा भाई। देखो डेकोरेट किया था हम सबने मिलके, हमने, सर ने, रोहित ने, राजेश ने, तो सबने मिलके किया था इसको डेकोरेट। तो ये हमारे मीटिंग रूम है, ये देख सकते हो यहाँ पर, मतलब यहाँ पर मीटिंग वगैरह होती है। एंड पीछे है इसके एक कमरा और आपको मैं दिखाऊँ तो, अरे खुल जा भाई ऑफिस का, आज आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे क्या सिस्टम है। ये है पीछे से, मतलब ये आगे का पोर्शन है, वो पीछे का है, मतलब ये यहाँ पर सारा बैठते हैं। इसका ताला लग रहा है, चाबी वहीं पे है बाहरी। तो अभी मैं कर देता हूँ इसको बंद और करता हूँ आपसे एक बात। तो गाइस मैं बताऊँ आपको, देखो तो ये तो फिलहाल मेरा ऑफिस है जहाँ मैं जॉब करता हूँ, मैंने आपको बताया था, आप पूछ भी रहे थे काफ़ी बार मैंने, पर थोड़ा बहुत ही व्यू दिखाया आपको। तो ये मेरा मेन ऑफिस है और मैं आपको जिस बारे में आज बात करूँगा वो अलग है, थोड़ा सा टॉपिक अलग है उसका, उसके लिए मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो आप मेरे को उसमें कमेंट करके मतलब बताना ज़रूर कि आप पे क्या विचार है चीज़ को लेकर। ये कॉफ़ी मशीन है, मैंने इसको ऑन कर दिया है अभी। और यहाँ पर सर बैठते हैं, वो पीछे भी सर बैठते हैं, अंदर वो हमारा किचन है। एंड ये पीछे का हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट वगैरह है, यहाँ पर बैठते हैं। तो मैं आपसे करता हूँ बात, तो व्यूज़ कैसा आ रहा है? बढ़िया। तो मैं आपसे बताऊं तो गाइज़ मैं अपने रूम को कर रहा हूँ डेकोरेट बाइक से रिलेटेड एक्सेसरीज के साथ, जैसे बाइक का उसमें कुछ भी पार्ट हो जाएगा, वो कुछ भी एनीथिंग यार, एनीथिंग एल्स कुछ भी होगा उसमें। तो जैसे कि यार मेरे यहाँ का बाइक का हैंडल ले लो, रिम वगैरह हो गया, चैन सेट वगैरह को कलर पेंट करके उसमें घड़ी का टाइप का वो बनाना, फोटोज़ वगैरह लगाना, टॉयज़ बाइक से रिलेटेड, कार से रिलेटेड टॉयज़ और एनीथिंग, मतलब और आप जो भी मेरे को कमेंट करके बताओगे, सलाह दोगे, तो वो आप मेरे को बता सकते हो कि क्या क्या अच्छा रहेगा रूम में डेकोरेट के लिए। क्योंकि मैं बाइक अपने पूरे कमरे को बाइक से रिलेटेड एक्सेसरीज़ भरने वाला हूँ पूरे कमरे को, और उसमें सब चीज़ होगी यार, मतलब कि मेरे बाइक का ख़राब पार्ट भी, सही पार्ट भी, और मतलब सीनरी वगैरह भी, और क्या बोलते, मतलब सोच तो मैंने बहुत कुछ रखा है उस कमरे के लिए। मैं तो संडे से काम शुरू हो जाएगा, मे भी पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा उसको कंप्लीट होने में, तो इतना जल्दी हो सकेगा उसको कंप्लीट कर दूंगा मैं रूम को यार। और आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि मतलब आप अपनी एक बार सलाह मेरे को ज़रूर देना कि मतलब कि मैं क्या करूँ, मतलब उसमें मैं क्या क्या एक्सेसरीज और ऐड करूँ, तो आप मेरे को बताना ज़रूर। देखो मैं, मेरा कोई मेन मोटिव ये था नहीं कि ब्लॉग बनाने का, बट यही है आपसे बात कर लेता हूँ और आपसे भी कुछ विचार पूछ लेता हूँ आपके। तो अब से मैं परमानेंट हो जाऊँगा, यूट्यूब पे भी रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे मेरे। और एक बार आपको थोड़ा सा पीछे से व्यू करके दिखाता हूँ, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है भाई, कितना प्यारा लग रहा है भाई, देख रहे हो कितनी प्यारी सीनरी। और ये तो भाई क्रिसमस ट्री तो अपना है ही ऑलराउंडर यार, ये तो लग ही रहा है प्यारा। और ये कुछ ऑफिस का इस प्रकार से माहौल है भाई, देख रहे हो कोई है नहीं, मैं ही आया हूँ सबसे पहले, आपको पता ही। तो गाइस प्लीज़ यार मैं, मेरे को आप बताना ज़रूर कि क्या क्या करूँ, मतलब कि मैं क्या क्या उसमें ऐड करूँ, मैं क्या क्या ऐड कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, क्या अच्छा रहेगा उसमें, क्या बुरा रहेगा, मैं क्या ना करूँ, मतलब कि मेरे रूम में जो सोफ़ा वगैरह है और खाट डाल रखी है, 3-4 कुर्सियाँ, उनको मैं बाहर निकाल दूँ या नहीं निकालूँ, और पर्दे वगैरह लगा लूँ, मतलब कि एनीथिंग, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आपको भी मेरे को सजेस्ट करनी पड़ेगी। रूम तो आपने मेरा देख रखा होगा, नहीं देख रखा तो फिर वो पीछे वाले कोई व्लॉग है उसमें मैंने डाल रखा है अपने रूम का भी। तो आप मेरे पास प्लीज़ शुरू देख कर, आपने थोड़े बहुत, देखो थोड़ी बहुत आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा तो मेरे को सलाह करना पड़ेगा, सजेस्ट करना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हो तो यार प्लीज़ मेरे पास आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़्यादा भी नहीं कह रहा कि मैं, आप मेरे को हर चीज़ बताओ, थोड़ी थोड़ी चीज़ बता देना कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँ और आप मेरे इस प्रकार से किस प्रकार हेल्प कर सकते हो। बस मेरे को यही चाहिए यार कि बस सपोर्ट चाहिए फिलहाल, जितना हो सके सपोर्ट करना करना अपने भाई को। तो कल हो जाएगा न्यू ईयर, तो न्यू ईयर पे मचाएंगे पूरा धमाल, मैं बाइक लेके जाऊंगा गोविंद की, तो मैं भी कल राइड करूंगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है।
और इंस्टाग्राम अभी से डाउन चल रहा है यार, पता नहीं मेरे को, मे भी क्या हो रहा है, क्या सीन है क्या नहीं है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को इंस्टाग्राम का मेरा। तो आप मेरा कुछ बता सकते हो तो इसके बारे में प्लीज़ ज़रूर बताना। फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब तीनों अच्छा 76 राइडर के नाम से, एंड मेरा जो सेकंड चैनल है जिस पर सिर्फ मैं शॉर्ट्स डालता हूँ वो है अच्छा 76 राइडर शॉर्ट्स करके नाम से है, उस पर जाना। मतलब उस पर भी फिलहाल टाइम पे उसकी ग्रोथ है, वो सही हो रही है काफ़ी अच्छा, मतलब उस पर रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे को देखने के लिए मेरी वीडियोज़ का। 400-500 सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी उस पर मेरे जो व्यूज़ है वो 10,000, 8,000, 4,000 इतने मेरे जाते रहते हैं। तो गाइस बस यही मेरा मेन मोटिव था, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको कल एक व्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू, वंदे मातरम।